नमस्कार मित्रों, को फिर से स्वागत है आपका इंस्टा गुरुजी में, जहाँ पर मैं प्रकाश जंगेट आप लोगों के लिए निरंतर जो हमारा क्रैश कोर्स उसकी सीरीज के अंदर सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेकर आता रहता हूँ। हमने इस अपने टेक्स्ट बुक के दो चैप्टर कर लिए हैं फिनिश बिल्कुल से। अब अपन बात करते हैं अगला जो हमारा तीसरा चैप्टर है ओवरऑल बुक का, हमारा सेवंथ चैप्टर है उसकी। इस चैप्टर के हम लोग एक्चुअली बात करने जा रहे हैं। पहले तो हम बात करें परमाणु की, कि परमाणु दिखने में होता कैसा है, उस परमाणु को जो मॉडल है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों के हिसाब से कैसा कैसा मॉडल दिया, उन सबको अपन पढ़ेंगे। क्या उनके अंदर कमी रहेगी जिसके कारण नए वैज्ञानिक को अपना नया मॉडल देना पड़ा। उसके बाद जब हमने परमाणु को खोज लिया तो अब इनको व्यवस्थित रूप में रखने के लिए हमें एक ढांचा चाहिए जिसको हमने आवर्त सारणी नाम दिया। अब कितने वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की, कौन उनमें सफल हुआ कौन फेल हुआ, वो सब कुछ पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के एंड में हम बात करेंगे उस आवर्त सारणी के अंदर जो हमारे परमाणु है, जो हमारे तत्व है, उनका जो गुण है, उनके गुणों के अंदर परिवर्तन, उनके गुणों के अंदर आवर्तीता किस प्रकार से आती है, तो सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर होने जा रहा है एक साथ मिक्स। बड़ा शानदार चैप्टर होने वाला है। जो हमारा परमाणु आकार है या परमाणु का जो मॉडल, उसको छोड़ने के बाद जब आवर्त सारणी हम स्टार्ट करें वहां से लेकर इस चैप्टर के एंड तक, हर एक टॉपिक बड़ा शानदार है, कंसेप्ट वाला टॉपिक है। एक बार अगर कंसेप्ट पल्ले पड़ गया तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप कितने भी बड़े लेवल तक आवर्त सारणी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो उसको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ एटम जो है उसके आकार के दिखने में होता कैसा, जिसको अपन एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब देखो परमाणु है क्या, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए परमाणु असल में दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उसको जब अपन तोड़ते जाएंगे कहते हैं ना उसके टोटे टोटे कर दिए, तो लास्ट में अपन को एक ऐसा टोटा, यानी लास्ट में अपन को एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ पाएंगे किसी भी प्रक्रिया द्वारा। अगर तोड़ देंगे, देखो तोड़ तो सकते हैं, लेकिन अगर उस टुकड़े को तोड़ देंगे ना तो उस कण से उस पदार्थ के सारे गुण डिलीट हो जाएंगे। मतलब किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके अंदर उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो, उसे हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, जो डाल्टन है, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक वैज्ञानिक की जिनका नाम है जॉन डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या व्याख्या दी, इन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ को अगर अपन तोड़ते जाएंगे तो अपन को लास्ट में सबसे छोटा पार्ट मिलेगा जिसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकेंगे, उसको परमाणु कहते हैं। इनके अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। इन्होंने ये भी बात कही कि जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु बिल्कुल एक जैसे होते हैं, अलग अलग तत्वों के सभी परमाणु अलग अलग होते हैं। जब इन परमाणु के संयोग से यौगिक बनता है तो ये एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने परमाणु की छोट के अंदर व्याख्या करी, लेकिन ये जो व्याख्या थी ये केवल परिकल्पना थी, इन्होंने कोई मॉडल वगैरह नहीं दिया। तो अब बात आती है कि परमाणु भाई दिखने में होता कैसा है। सबसे पहले आए वैज्ञानिक जिनका नाम था थॉमसन, इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। देखो थॉमसन ने सबसे पहले क्या कहा, इन्होंने कहा परमाणु जो है ना वो ऐसा एक धन आवेशित गोला है और इसके अंदर ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो धंसे हुए होते हैं। इन्होंने कहा परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो धंसे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से प्लम पुडिंग जो मिठाई होती है, जो प्लम पुडिंग एक्चुअल में ये केक है, उसके अंदर प्लम धंसे हुए होते हैं। इसकी तुलना अगर अपन करें हमारे इंडियन संस्कृति से तो हम इसकी तुलना करते हैं जो मतीरा होता है हमारा, तरबूज होता है, तो मान लो तरबूज जो है उसके अंदर लाल वाला जो भाग है वो तो पूरा को पूरा इसके अंदर धनावेशित भाग हो गया, और जो ब्लैक ब्लैक बीज उसके अंदर होते हैं, जो सीड्स है उसके अंदर, वो सारे अगर अपन इलेक्ट्रॉन मान लें तो ठीक उसी प्रकार होता है परमाणु का मॉडल। तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा अब देखो इनके मॉडल की कुछ कमियां रहेगी, कुछ क्या बहुत सारी कमियां रहेगी जिनके कारण ज्यादा दिन तक हम इनके मॉडल पर आश्रित नहीं रह सके। इनका मॉडल था, इन्होंने बता दिया कि धनावेशित गोला उसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन थे, ये विद्युत उदासीन होता, बस इन्होंने तो काम खत्म कर दिया। लेकिन न तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की कोई कक्षा के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर रहते हैं गति करते हैं, कोई जानकारी नहीं दी। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होता है इसके एक स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी ये नहीं कर सके, तो जाना है तो ऑब्वियसली बात है। अब इनके बाद देखो कौन आते हैं, इनके बाद आए जिनका नाम आता है रदरफोर्ड। अब देखो रदरफोर्ड जो आए ना, नाम से ही देखो कितना बड़ा नाम है इसका, मतलब कोई ताकतवर मतलब ज्ञानी आदमी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो आपका एटम है उसका मॉडल देने की कोशिश की। इन्होंने देखो किया क्या, इन्होंने एक सोने की पतली सी फिल्म ली और इस सोने की पतली सी फिल्म को चारों ओर एक पर्दा लगा दिया इसके जिंक सल्फाइड का लेपन करने के बाद। ये जो पर्दा है इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का पेस्ट लगा दिया और बीचों बीच इसके एक सोने की बहुत पतली सी पन्नी रख दी।
अब इन्होंने क्या किया, यहां सामने एक अल्फा जो पार्टिकल्स उसका सोर्स रखा, अल्फा कणों का स्रोत रखा। अब बात आती है अल्फा कण कहते किसे, तो याद रखना हमेशा 2He4 ये होते हैं अल्फा कण। इसको हम एक और नाम देते हैं हिंदी के अंदर द्वि आवेशित हीलियम कणों को अल्फा कण कहते हैं। तो इन्होंने देखो क्या किया, यहां इस सोर्स से अल्फा कणों की उसके ऊपर बौछार करवाई। अब आपको ये सवाल पूछ सकते हैं, आपके 10th क्लास में एग्जाम नहीं आएगा, बट इन फ्यूचर जब भी आपसे कोई पूछे तो आप बता भी सकते हो कि जो पर्दा है इसको जिंक सल्फाइड से लेपित करते क्यों है। तो याद रखना ये जो आपके अल्फा कण जा रहे हैं ना, जब ये इससे पार होके इससे टकराएंगे, तो जैसे अल्फा कण इस जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दे से टकराएंगे तो यहां पर एक चमक उत्पन्न करेंगे, और जैसे वो चमक उत्पन्न होगी हम समझ जाएंगे हाँ अल्फा कण यहां पर आया था और टकराया था यहां पर। तो इसलिए बस ये पन्ने इन्होंने जो पर्दा है इन्होंने साइड में रखा था। अब देखो इन्होंने मॉडल दिया किस प्रकार से, इनके मॉडल को समझने के लिए ये जो डायग्राम है अपन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपन डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बनाते हैं। ये थोड़ा सा राउंड है भाई, देखो इन्होंने ये रखा सामने पर्दा, ठीक है, इन्होंने यहां से बहुत सारे अल्फा कण डाले, ये बहुत सारे अल्फा कण हैं जो इन्होंने भेजे। इन्होंने देखा कि अधिकांश तो अल्फा कण ऐसे थे जो कि बिल्कुल से सीधे निकल गए, जिस पथ पर आए उसी पथ पर बिल्कुल सीधे निकल गए बिना विक्षेपित हुए। कुछ कण ऐसे थे जो कि अपने पथ से हल्के से विचलित हो गए, ये आया थोड़ा सा मुड़ के चला गया, ये सारे आपतित कण हैं भाई। और ये इनके जाने के बाद लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जिसको हमने जिस दिशा में भेजा बिल्कुल उसी पथ पर वापस पीछे लौट आया, मतलब उसकी ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर लौटकर फिर से आ गया। बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी हुई है। इस घटना के आधार पर या इस पूरी प्रक्रिया के आधार पर, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब देखो इन्होंने कहा क्या, रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के बिल्कुल मध्य में एक ठोस भाग स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। यहां पर ये रहा सूर्य, इसको सूर्य माना उन्होंने, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस मॉडल की जो तुलना है आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता भी सकते हो, इस मॉडल तुलना सौर मंडल से भी की जाती है। अब इन्होंने ये जो कण भेजा और वापस से मुड़कर आ गया, हमने कहा अल्फा कण जो है ना इसको अपन 2He4 बोलते हैं, फिर हिंदी में द्वि आवेशित हीलियम कण, ये असल में एक धनावेशित कण है। तो धनावेशित कण कब किसी चीज से प्रतिकर्षित होगा, जब सामने वाली चीज खुद भी धनावेशित होगी। तो इसी से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक है वो धनावेशित भाग है परमाणु का, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रह रहे हैं। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखो इनके मॉडल में भी कुछ कमियां रहेगी जिनके कारण इनका मॉडल भी अच्छा तो है बिल्कुल, अभी भी हम लोग इसको ही परिवर्तित रूप अपन जो जिसको अपन नील्स बोर का मॉडल कहते हैं इन्हीं का परिवर्तित रूप है वो भी, लेकिन पूरी तरह ये सही नहीं है। जो कमियां थी उनकी अपन बात करते हैं। इन्होंने परमाणु की जो कक्षा है ना इनके अंदर न तो इन दो कक्षा के बारे में जानकारी दी कुछ, न ये बता पाए कि कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, न परमाणु जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या कर सके। तो इन सब कारणों के कारण क्या है कि हम जो रदरफोर्ड है इनका मॉडल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सके। अब बात आती इनके आगे, इनके बाद कौन है, इनके बाद हम नाम लेते हैं सबसे प्रतिष्ठित जो वैज्ञानिक है जो रसायनज्ञ रहे हैं जिन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था, नील्स बोर की। देखो नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है उसके बिल्कुल मध्य में धनावेशित भाग स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सैकेंद्रीय वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते रहते हैं, और इन वृत्ताकार पथों को इन्होंने नाम दिया कक्षा। इन कक्षाओं को इन्होंने KLMN या फिर 1, 2, 3, 4 इससे दर्शाया। अगली जो खास बात इन्होंने परमाणु मॉडल के बारे में कही वो देखो क्या है, इन्होंने कहा मान लो जैसे ये आपके परमाणु का नाभिक है, ये उसके नाभिक के चारों वाली कक्षाएं हैं जिनको इन्होंने ऊर्जा स्तर भी नाम दिया। और ऊर्जा स्तर के बारे में आपको बता दूं कि जैसे जैसे अपन KLMN ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो मतलब इस कक्ष की ऊर्जा कम है, इसकी उससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, ठीक है, लगातार ऊपर जाते जाएंगे तो ऊर्जा कक्ष की जो बढ़ती जाएगी। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है,
देखो एक कमी रह गई थी रदरफोर्ड की, जो मैं भी आपको बताना भूल गया। देखो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते वृत्ताकार पथों में, लेकिन मैक्सवेल ने ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहेगा तो उसकी ऊर्जा में निरंतर कमी आती रहेगी, और अगर ऐसा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे, लेकिन इसका जो स्पष्टीकरण है वो हमारे बोर्ड ने दे दिया। बोर्ड ने जो आपकी क्वांटम परिकल्पना थी उसको आधार मानकर और हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानकर अपना मॉडल दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उस वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए इसको आवश्यक जो कोणीय संवेग है वो अभिकेंद्रीय बल द्वारा प्रदान होता है। अर्थात हम कहते हैं कि वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो एच अपॉन 2π का पूर्ण गुणज होता है। ये बात इन्होंने बोर्ड ने कह दी और इस बात का अपन को स्पष्टीकरण मिल गया कि वृत्ताकार पथ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्यों नाभिक के अंदर नहीं गिरता, इस बात से पता चल गया। यहाँ पे n जो है वो पूर्ण गुणज है, कहने का मतलब n का मान जो है वो 1, 2, 3, 4 पूर्णांकों के रूप में हो सकता है। अब अपन बात करते हैं अगली इन्होंने जो बात कही उसकी। इन्होंने ये भी कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के अंदर ही चक्कर लगाता है तब वो न तो ऊर्जा अवशोषित करता है न वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर ऊपर वाली या नीचे वाली कक्षा में जाता है तब ऊर्जा को अवशोषित या फिर उत्सर्जित करता है। अब देखो कब उत्सर्जित करेगा कब अवशोषित करेगा उसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि अपन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर के अंदर है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऊर्जा स्तर के अंदर जाना चाहेगा तो पहले क्या जरूरी है कि उसको उसके बराबर ऊर्जा मिल जाए। अभी इसकी ऊर्जा कम है, इसको अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, इसका मतलब ऊर्जा को बाहर से लेगा, कहने का मतलब है अवशोषित करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर से या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तब ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और इस अवशोषित ऊर्जा को इस प्रकार से दर्शाते हैं। जो ऊर्जा अवशोषित करता है वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में करता है। अब जरूरी नहीं कि ये जो प्रकाश है दृश्य प्रकाश हो सकता है, अवरक्त हो सकता है, पराबैंगनी हो, हमें दिखाई नहीं दे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। इसके विपरीत अगर यही इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा होता तब ऊर्जा जो एक्स्ट्रा ना, क्योंकि देखो इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा तो कम है और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको ये बाहर छोड़ता, त्यागता, यानी उत्सर्जित करता। तो ये है बोर का परमाणु मॉडल, जिसके आधार पर इन्होंने जो कमियां जो थी उनको दूर करते हुए अपना ये वाला मॉडल दिया, और ये मॉडल जो है वो हम आज तक यूज़ करते हैं। हालांकि इनके बाद भी और अच्छे मॉडल आ चुके, लेकिन ये मॉडल अपना एक अलग स्थान रखता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे जो सिलेबस के अंदर परमाणु मॉडल से रिलेटेड जो कुछ दे रखा था उसको हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। अब अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देखो क्या है, जिस प्रकार से एक क्लास के अंदर मान लो पहले 10 ही बच्चे थे, अब बच्चे बढ़ रहे हैं लगातार, मान लो 60 बच्चे हुए क्लास के अंदर। अब दिक्कत ये आ गई कि वो जो 60 बच्चे हैं अपने पास रूम एक ही है तो उनको ईदगाह व्यवस्थित अपन रख कैसे सके, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए जरूरी होता है कि उनको अलग अलग वर्ग बनाकर उनको अलग अलग बैठा दें ताकि वो एक व्यवस्थित रूप से माहौल बना रहे पढ़ाएगा। सेम टू सेम देखो हमने परमाणु की बात करी, परमाणु मॉडल अपन ने प्राप्त कर लिया, हमने बहुत सारे परमाणु भी खोज लिए, लेकिन अब इन खोजे हुए परमाणु को एक व्यवस्थित रूप अपन प्रदान कर पाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि अपन इनको आसानी से समझ पाए, इनके गुणों को समझ पाए। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रयास किए। तो सबसे पहले जो पहला सराहनीय प्रयास किया था उनकी बात करना चाहूंगा, जिनका नाम है डोबेरेनर। देखो डोबेरेनर ने क्या किया, अपना इन्होंने एक नियम दिया जिसका नाम है त्रिक नियम, जैसे मैं आपको बना के बता रहा हूं। सबसे पहले ऊपरी ऊपर मैं लिख रहा हूं लिथियम को, लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 7। इसके बाद मैं लिख रहा हूं सोडियम को जिसका परमाणु भार होता है 23। उसके बाद मैं लिख रहा हूं पोटेशियम को जिसका परमाणु भार होता है 39 यानी 39। इन्होंने क्या किया, ऐसे तीन तीन तत्वों के तीन समूह बनाए, जिनकी खास बात क्या थी कि पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का औसत है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर। कैसे देखो, देखते हैं, इसका परमाणु भार 7 है, इसका परमाणु भार 39 है, दोनों को मैंने ऐड किया क्योंकि इन्होंने कहा ना कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। तो इसका 7 है और इसका 39, तो अगर अपन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर ये बनेगा 46। अब इस 46 के अंदर इन दोनों का औसत लेना है तो अपन को पता है राशियों का योग बटा राशियों संख्या होता है औसत, दो राशियां हैं तो अगर मैं दो का भाग दूंगा तो ये आएगा 23 के बराबर, और ये 23 ही क्या चीज है, इसे बीच वाले तत्व का परमाणु भार है। तो इस प्रकार से इन्होंने तीन तीन तत्वों के ऐसे समूह बनाए जो भौतिक और रासायनिक गुणों में समान थे। खास बात क्या थी कि प्रत्येक बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर था। इस प्रकार के इन्होंने देखो तीन त्रिक ज्ञात किए, एक तो आपके सामने ये रहा, दूसरा जो त्रिक था वो ये था कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम।
और जो तीसरा हमारा ट्रिक है जो इन्होंने दिया था वो था Cl, Br और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस प्रकार के उन्होंने तीन ही ट्रिक याद किए। तीन ट्रिक याद करने वाले उन्होंने खाली नौ ही तत्वों तक अपनी जो ये खोज थी उसको सीमित कर दिया। अब नौ से हमारा काम नहीं चलता ना, तो ये ज्यादा दिन इसलिए नहीं टिक पाए और फेल हो गए। अब इनकी इस कमी को दूर करते हुए इनसे बाद में साइंटिस्ट आए जिनका नाम है न्यूलैंड्स। देखो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है वो क्या कहता है, इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया, सात सात तत्वों को, और देखा कि प्रत्येक आठवें तत्व की जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो पहला जो तत्व है उसके साथ गुणों में संबंध दिखा रहे हैं, उसके साथ गुणों में आवर्तिता दर्शा रहे हैं। इस बात से ये बड़े आश्चर्यचकित हुए और इस आधार पर इन्होंने अपनी एक छोटी सी सारणी बना दी जिसके अंदर एक आवर्त के अंदर सात तत्व इन्होंने रखे और इन्होंने कहा प्रत्येक आठवें तत्व के जो गुण है वो पहले तत्व के साथ मैच खा रहे हैं, तो उस आठवें तत्व को पहले वाले के नीचे रख दिया। इस प्रकार से इन्होंने कुल 16 तत्वों के लिए अपनी छोटी सी एक टेबल बनाई जिससे अपन कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। जो नियम था ना, इन्होंने कहा कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले वाले तत्व के गुण से मैच हो रहे हैं, इससे न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम कहते हैं। अब ये भी फेल हो गया। इसका रीजन क्या था कि ये केवल 16 तत्वों तक ही ये जो अपने सारणी है उसको मेंटेन कर पाए, इसके बाद में नहीं कर पाए, तो इसलिए ये भी नियम ज्यादा दिन नहीं टिका। अब बात करते इनके बाद में, इसके बाद में जो आते हैं उनका नाम है मेंडेलीफ। देखो मेंडेलीफ ने क्या किया, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है, मेंडेलीफ को। तो ये एग्जाम में आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय जाता है मेंडेलीफ को। मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेंडेलीफ ने किस गुण को आधार मानकर अपनी आवर्त सारणी बनाई, यानी मेंडेलीफ का आवर्त नियम बताओ। तो देखो मेंडेलीफ का आवर्त नियम हम बताते हैं, मेंडेलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। हम जब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इसी के अंदर खाली एक ही शब्द को बदलेंगे, बाकी सेम टू सेम डेफिनेशन रखेंगे। हमने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये कहलाता है मेंडेलीफ का आवर्त नियम। तो इस प्रकार से मेंडेलीफ ने अपने तत्वों को व्यवस्थित करके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई जिसके अनुसार उस सारणी के अंदर छह तो थे आपके आवर्त, जो देखो आवर्त सारणी के अंदर ऐसे पड़ी हुई पंक्तियां होती हैं उनको अपन बोलते हैं आवर्त, और जो खड़ी हुई ऐसी लाइनें होती हैं उनको अपन बोलते हैं वर्ग या फिर स्तंभ। तो मेंडेलीफ की जो आवर्त सारणी थी इसके अंदर छह आवर्त और सात स्तंभ थे, और इन्होंने कोशिश की कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखें, लेकिन साथ में ये भी कोशिश की इन्होंने कि समान गुण वाले जो तत्व है वो एक ही वर्ग के अंदर आ जाए। अब अगर दोनों चीज़ों को इन्होंने साथ लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है थोड़ी सी गड़बड़ तो होगी। तो कई बार तो क्या हुआ कि बढ़ते परमाणु भार के क्रम को ध्यान रखते हुए इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा, और कई बार उन गुणों को समान करने के चक्कर में परमाणु भार के क्रम को कई जगह तोड़ा भी। लेकिन ये तो कमियां थी, इनके अलावा और भी कुछ कमियां निकली, जैसे इन्होंने समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दिया, फिर आने वाले नए तत्व के बारे में नए तो कोई भविष्यवाणी की उन्हें अपने आवर्त सारणी के अंदर उनके लिए कोई जगह छोड़ी कि जब कोई खोजे जाएगा तो उसको कहां पे रखेंगे। तो इन सब कारणों के कारण इसके अंदर कुछ कमियां हमको दिखी, लेकिन ये आवर्त सारणी काफी अच्छी थी। अब इसी आवर्त सारणी के अंदर हल्का फुल्का संशोधन करने के बाद, असल में हल्का फुल्का तो नहीं कहेंगे इसको, एक अच्छा बड़ा संशोधन कहेंगे, इस संशोधन करने के बाद मोजले आए, हेनरी मोजले, जिन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी जिसे हम आज यूज करते हैं, आधुनिक युग में यूज करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसकी हम अगली वीडियो में करेंगे विस्तार से चर्चा। अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो रही है साबित, तो पहले मैं बोल चुका हूँ शेयर वाला जो बटन है उसको दबाने से हिचकिचाना बिल्कुल भी मत। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक दबा सकते हो, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।